एक अच्छा खासा देश तबाही के दरिया में डूबता जा रहा। इन दिनों श्रीलंका बेबस भी है, बेचारा भी है और बेसहारा भी है। लेकिन ऐसे वक्त में सहारा बन रहा हिंदुस्तान, और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से श्रीलंका ने गुहार लगाई है और कहा है कि हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए मदद कीजिए पीएम मोदी जी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या श्रीलंका को बर्बाद करने वाले चीन को भारत सबक सिखाएगा, और क्या श्रीलंका को इस संकट से बचाकर पीएम मोदी पेश करेंगे दुनिया को बड़ी मिसाल। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने पीएम मोदी से उनके देश को अधिकतम संभव सीमा तक मदद करने का आग्रह किया। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने पीएम मोदी को संदेश दिया और श्रीलंका की यथासंभव मदद करे। ये हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की जरूरत है। ये एक मेलोड्रामा है जो हमारे देश के लोगों को ठगने के लिए किया जा रहा। ये हमारे देश के लोगों को किसी प्रकार की राहत देने की दिशा में कोई वास्तविक प्रयास नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कवायद है। श्रीलंका एक अग्रणी ठोस बदलाव चाहता है जो उसके लोगों को सहायता दे, न कि राजनेताओं को राहत दे। राजनीति संगीतमय कुर्सियों का गेम नहीं। तो वही भारत ने श्रीलंका की जरूरी मदद की मांग पर तेजी से जवाब दिया। इस साल जनवरी से श्रीलंका को भारत ने 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की सहायता दी है। जनवरी से अभी तक श्रीलंका को आर्थिक समस्या से उबारने के लिए भारत ने अब तक उसकी 2.5 अरब डॉलर की मदद की है। भारत ने श्रीलंका को 1 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन यानी ऋण सहायता देने पर सहमति जताई है। इससे श्रीलंका को जरूरी वस्तुओं की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। भारत ने डीजल की 40,000 मीट्रिक टन डीजल की चौथी खेप भी श्रीलंका भेजी है। अब तक 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा जेट फ्यूल, डीजल और पेट्रोल श्रीलंका पहुंच गया है। खाद्यान्न मदद के तौर पर भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन चावल भेजने जा रहा, जिससे चावल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जो बीते एक साल में 2 गुना बढ़ चुकी है। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा IMF के साथ चर्चा कर रहा है। साफ है, समंदर से घिरा श्रीलंका मुसीबत के समंदर से घिर गया है, और भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो श्रीलंका को हर संकट से बाहर निकाल दे। लेकिन इस मुसीबत से पार पाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है।